हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं यण संधि। यण संधि जो कि हमारा संधि का भाग 6 है, इसके अंदर हम यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि में अगर ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, ऊ और री हो तो ई की जगह पर य, ऊ की जगह पर व और री की जगह पर र आ जाता है। तो आइए पढ़ते हैं यण संधि। अभी हम लिख लेते हैं यण संधि जो कि अभी हम पढ़ेंगे। यण संधि, अब हम देखते हैं यण संधि में यदि यण संधि में ई, ऊ और री के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाता है, यदि कोई दूसरा स्वर आ जाता है जाता है तो ई क या हो जाता है, ई क या, ऊ का वा, क वा और री का र हो जाता है, हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से ये बदल जाते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूं अति जमा अधिक, अति जमा अधिक, अति ई अधिक है अ, है ना, और ये बन जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। अब यहां देखिए ये ई था, ये अ था और ये बन गया या, यानी के यहां पर बन गया ई जमा अ बन गया या। मैंने बताया था आपको ई का जो है या बन जाता है, ऊ का व और री का र हो जाता है। वैसे ही अभी हम यह दूसरा शब्द लिखकर देखते हैं, यदि यदि जमा अपि, यदि ई जमा आ ये हो जाएगा यद्यपि, यद्यपि यहां भी वही है ई जमा आ, ई जमा आ बराबर में बन गया य। अब हम एक और शब्द देखते हैं जिसे मैंने लिखा यहां पर अति जमा आचार, अति जमा आचार, अति ई जमा आ तो ये बन गया अत्याचार, अत्याचार, ई जमा आ, ई जमा आ, ई जमा आ बन गया या, अत्याचार या। अब हम एक शब्द और देख लेते हैं जिसे मैंने यहां पे लिखा अति, इति सॉरी, इति जमा आदि, ई जमा आ ये बन गया इति जमा आदि इत्यादि, इत या दी, यानी कि ई जमा अ और यहां बन गया या, या। वैसे अब हम यहां पे जो और शब्द देख लेते हैं जिसे कि हम लिखते हैं अभी जमा अभी जमा उदय, अभी ई जमा उ बन गया अभ्युदय, अब यू द, अब यू द ये हो गया ई जमा ऊ और ये बन गया यू, यू
अभी का ई, उदय का उ, ये बन गया यू, यानी के यू, ई जमा उ, यू, अभी जमा उदय, अभ्युदय। वैसे अब यहां पे लिखते हैं ऊपरी, ऊपरी जमा उक्त, ऊपरी ई जमा उ, ऊपरी जमा उक्त बन गया उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त। ई जमा उ, ई और उ बन गया उपयुक्त, ई जमा उ बन गया यू, उपयुक्त। वी, वी जमा उ, वी जमा उ बन गया व्यू, व्यू। वी जमा उ ये बन गया यू, यहां लिख देता हूं हम ये ई जमा उ, उ बना यू, यू। वैसे ही अब हम यहां पर एक और देख लेते हैं, प्रति जमा एक, प्रति ई जमा ए ये बना प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति ई जमा ए बन गया ये। अब ध्यान से ई जमा ए और ये बन गया प्रत्येक, एक, एक, प्रत्येक य, यहां पे मैं लगा दिया य। आइए हम कुछ और उदाहरणों को देखते हैं इसके बाद। अब हम यहां लिखते हैं देवी जमा आगमन, यानी कि ई जमा आ, देवी जमा आगमन ये बन गया देव्यागमन, देव्यागमन। अब यहां देखिए ई और आ के जगह पर बन गया य, ई और आ, ई और आ की जगह पर बन गया या, यानी कि ये हो गया ई जमा आ और ये हो गया देव्यागमन, यानी के या। वैसे जो अब हम यहां पे एक शब्द और देखकर देखते हैं, जिसे हम कहते हैं सु जमा अच, सु जमा अच, सु जमा अच, सु उ अच का अ ये बन गया स्वच्छ, स्वच्छ। सु जमा आ बना व, उ जमा अ और ये बन गया स्वच्छ व। अब ऐसे हम लिखकर देखते हैं, जैसे कि यहां लिख दिया हमने सु जमा आगत, सु उ जमा आ, सु जमा आ स्वागत, सु जमा आ, सु और उ और आ बनके मिल गया वा। अब हम यहां लिखते हैं सु जमा आ वा, वा। अब हम यहां पर जो है एक शब्द और लिखकर देख लेते हैं, जिससे कि मैं लिखती हूं अनु जमा इत, अनु उ इत ई, अनु जमा इत अन्वित, अन्वित। यहां पे उ और ई मिल है जो मिल गया वो बन गया वी, यानी के उ जमा ई ये बन गया वी, वी। वैसे अब हम यहां पर जो एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहां पर अनु जमा एशक, अनु जमा एशक, अनु उ जमा ए, उ जमा ए बन गया अन्वेषक, अन्वेषक।
अब यहाँ पे उ और ए मिलकर बन गया वे, यानी के उ जमा ए बन गया वे, वे अन्वेषक। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि पितृ जमा अनुमति, पितृ जमा अनुमति, अनुमति पितृ, यहाँ पे बना री और यहाँ है अ, री और आ मिल जाएगा तो बन जाएगा पितृनुमति, पितृनुमति, यानी कि ये री और आ मिल गया तो बन गया त्र, र। अ जमा री है पितृ, री जमा अ और ये बन गया पितृ जमा अनुमति, बन गया पितृनुमति, ये बन गया र। वैसे अब हम यहां पर एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे कि मैं देती हूं यहां पे मात्र, मात्र जमा आज्ञा, यानी कि माता की आज्ञा, मातृ जमा आज्ञा, मातृज्ञा, मात्राज्ञा, 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 यहां पे री और आ, री और आ मिलकर बन गया रा, री जमा आ ये बन गया मात्राज्ञा रा, रा। वैसे अब हम यहां पर जो एक शब्द और देखते हैं जिसे पितृ जमा इच्छा, पितृ जमा इच्छा, अब यहां पर क्या है री और ई है, री और ई, पितृ री इच्छा ई, जब दोनों को मिला देते तो ये पितृ इच्छा, पितृ इच्छा, री और ई मिल गया तो बन गया री, री जमा ई ये बन गया री। अब हमें इसका मातृ त्री ई जमा ईश्वर, मातृ जमा ईश्वर ये बन जाएगा मातृश्वर, मातृश्वर, मातृश्वर ई है बड़ी तो अलग जाएगी इसमें मात्रा, मातृश्वर और यहां बन गया री और ई, यानी के री जमा ई ये बन गया री। अब इनको हम पढ़ के देखते हैं, जैसे देवी जमा आगमन, ई जमा आ, ई जमा आ बन गया या, देवी आगमन या आ गया यहां पर, सु जमा अच्छ, उ जमा आ, उ जमा आ बन गया वा, स्वच्छ, वैसे सु जमा आगर, उ जमा आ, उ जमा आ बन गया वा, स्वागत वा आ। अब हम देखते हैं यहाँ पे अनु, उ जमा इत ई, उ जमा ई बन गया वी अनवित, अनु जमा एशक, उ जमा ए, उ जमा ए बन गया वे अन्वेषक, पितृ जमा अनुमति, री जमा अ, री जमा आ बन गया रा पितृनुमति, मातृ जमा आज्ञा, री जमा आ, री जमा आ बन गया रा मातृज्ञा, पितृ जमा इच्छा, री जमा ई, री जमा ई बन गया री पितृ इच्छा, वैसे मातृ जमा ईश्वर, री जमा ई मातृश्वर, यानी री जमा ई री मातृश्वर। तो ये था हमारा यण संधि। तो उम्मीद है यण संधि आपको पढ़ने में बहुत रोचक लगा होगा, बहुत ही मजेदार और हकीकत में मजेदार बहुत है, इसे पढ़ने में समझने में लिखने में बहुत मजा आता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत रोचक लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और इसे पढ़कर बहुत मजा भी आया होगा। तो इसी तरह देखते ही ज्ञान अभियान आपका अपना चैनल, जहां आप खुद को अपनी क्लास की तरह महसूस करते हैं।